तेज मंगल हो, तेज मंगल हो, सारे जग का तेज मंगल हो, तेज शांति रहे, तेज शांति रहे, सारे विश्व में तेज शांति रहे। जब आपके साथ लोग बुरा व्यवहार करते हैं तो क्रोध की जगह पर दया नहीं आती तो क्यों नहीं आती? आप क्या नहीं देख पाते जिस वजह से क्रोध ही आता है, करुणा नहीं आती? सभी को शुभेच्छा, हैप्पी थॉट्स। तेज ज्ञान फाउंडेशन द्वारा आयोजित ध्यान प्रार्थना बीज बोने के लिए आप सबका स्वागत करते हैं। रोज हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं ताकि हम खुद भी स्वस्थ रह पाएं और जो बीमार हैं उन्हें भी हम अपनी प्रार्थना का बल पहुंचा पाएं। तो आइए ग्रहणशील रहते हैं और इस प्रार्थना का लाभ लेते हैं। कल सभी क्रिसमस मनाएंगे, इस उपलक्ष्य में आज प्रार्थना करें। सभी की आंखें बंद हैं, जब भी माया में कमजोर पड़ो खुद को याद दिलाओ, सन ऑफ मैन, सन ऑफ गॉड, ईश्वर से प्रेम करो अपने प्राणों से ज्यादा, मुख्य आज्ञा, क्योंकि उसमें बाकी सब होने लग जाएगा, माया की शक्ति समाप्त होते जाएगी। बिना आकार में अटके निराकार का दर्शन पृथ्वी पर ही, सेल्वेशन पृथ्वी पर ही, अनंत दुखों से बच जाएं पृथ्वी पर ही। पहरा दो, प्रार्थना करो, अपने विचारों के प्रति पहरेदार बनो। कौन से विचारों की निंदा करता हूं, कौन से विचारों पर स्टैंपिंग करता हूं? होश खुद इनाम है, बेहोशी खुद सजा है। प्रलोभन पल पल पग पग सामने आएंगे, जो पहरा देंगे प्रार्थना करेंगे टॉस करेंगे वे मुक्त होंगे, मगर प्रार्थना के बाद जवाब सुनना है। पहचान प्रतिभक्ति साध, जीसस की टीचिंग से आप पहचान कर रहे हैं, प्रभु के राज्य में जाने की पात्रता तैयार कर रहे हैं। धन्य है वे लोग जो धर्म के भूखे हैं, खुद को जानना चाहते हैं,
धन्य है जो दया करेंगे उन पर दया की जाएगी, जो क्षमा करेंगे वे क्षमा किए जाएंगे, जो मेल करवाएंगे वे धन्य हैं, जो सत्य की राह पर चलते हुए बुरा सुनेंगे लोगों का, यातना कुछ सहनी पड़ी सुख सुविधा छुटी वे धन्य हैं, उन्हें खुश होना है दुखी नहीं होना है। धन्य है वे लोग जो विश्वास कर पाएंगे, और धन्य है वे लोग जो बिना देखे विश्वास कर सकते हैं। ये एक पात्रता के बाद ही संभव है। जो अनुभव पर यकीन करेंगे वे मुक्त होंगे। इसलिए सही कर्म करो, जो आप चाहते हो प्रसार हो प्रचार हो वही कर्म करो। जो सबको मालूम पड़े वही करो। क्षमा साधना करके प्रायश्चित करना हृदय को सुधारना है। इस तरह की सद्भावना के साथ सबके लिए प्रार्थना करें। प्रार्थना के अंत में अपने तप का बल, अर्जित बल लोक कल्याण के लिए समर्पित करेंगे।
सभी धीरे धीरे आंखें खोलें। आइए सब ग्रहणशील होते हैं एक चेतना संदेश सुनने के लिए। आप सबको तेरी मेरी क्रिसमस, तेरी मेरी क्रिसमस यानी हमारी क्रिसमस। जब से हमारी क्रिसमस करके मनाया जाएगा तब सही माने में विश्व में लोग इसका लाभ ले पाएंगे। सही क्रिसमस मनानी है तो कुछ बातें समझनी होगी कि कैसे ये मनाई जानी चाहिए। आज के दिन ईसा का, यीशु का, जीसस का, मुक्ति दाता का जन्म हुआ। उस मनोशरीर यंत्र का जिसके द्वारा आज़ादी की, मुक्ति की घोषणा हुई, पाप से मुक्ति की घोषणा, जिसके बलिदान से आज भी लोग विश्व में लाभ ले रहे हैं। तो हमें पता होना चाहिए कि जो भी त्यौहार बनाए गए हैं उसके पीछे एक ही रहस्य है, और वह रहस्य समझ में आ गया तब आप तेरी मेरी क्रिसमस, हमारी क्रिसमस मना सकते हैं। क्रिसमस जीसस का जन्मदिन है। मुक्ति दाता पृथ्वी पर आए, पाप से मुक्ति दिलाई। अगर जीसस ने कहा और वो हमने किया तो हम क्रिसमस मना रहे हैं। अगर हमने भेंट में जीसस को वह दिया जो वे चाहते हैं तो हमने सही क्रिसमस मनाई। जीसस को भेंट में क्या दिया जाए? लोग चैतन्य चेतना को जब पहचान नहीं पाते, चैतन्य चेतना यानी क्राइस्ट कॉन्शियसनेस, और गिफ्ट आप तब दे पाओगे जब उस चेतना को स्वयं प्राप्त करोगे। तो हम सारी बुरी आदतें, अपने पाप, अपना अज्ञान दे देंगे और उसकी जो आज्ञा है उसका पालन करेंगे तो सही माने में क्रिसमस मनाई। और वाकई हमने जीसस को पहचाना है तो हम चाहेंगे कि जो मुक्तिदाता पृथ्वी पर आए, जिस वजह से बाइबल बना, आज भी लोग जिससे प्रेरणा प्राप्त कर रहे हैं, बाइबल का अर्थ ही पुस्तक, उस पुस्तक का जो लाभ आज तक लिया जा रहा है और युगों तक लोग आगे भी लेते रहेंगे। तो ऐसे मुक्तिदाता को हम क्या दें? क्या वाकई देना चाहिए या कुछ विशेष जाति के लोग ही यह करें? ये तो हमारे लिए नहीं है। तो फिर हमने चैतन्य चेतना को समझा ही नहीं। शरीर बाहर से अलग अलग दिखाई देंगे मगर चैतन्य चेतना हर मुक्तिदाता में एक ही है। हमारे अंदर भी वही है मगर बेहोशी में है। समझना यह है कि हमारे अंदर वह चेतना उठे तो हम जीसस की सही भक्ति कर रहे हैं, क्रिसमस मना रहे हैं। वाकई हम जाने चैतन्य चेतना एक इंसान के अंदर जब उठती है तो वह क्या काम कर सकती है, क्या समझ होती है, जिसके बाद सूली पर भी इंसान, सूली देने वाले लोगों के लिए भी प्रार्थना कर सकता है कि उन्हें क्षमा किया जाए। जीसस को ये दिखाई दे रहा था, क्यों दिखाई दे रहा था, क्या चेतना थी? जब आपके साथ लोग बुरा व्यवहार करते हैं तो क्रोध की जगह पर दया नहीं आती तो क्यों नहीं आती? आप क्या नहीं देख पाते जिस वजह से क्रोध ही आता है, करुणा नहीं आती? जीसस ने जो प्राप्त किया अगर हम भी प्राप्त करते हैं तो ये छोटी छोटी बातें जो हमें परेशान करती है दिन भर में, वो तो परेशान करना तुरंत बंद कर देगी। तो हमें वह चेतना प्राप्त करनी है क्योंकि हम भेंट देना चाहते हैं। प्रार्थना और मार्गदर्शन का सभी ने लाभ लिया। आइए यहीं पर समाप्त करते हैं, कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।